इनके अध्यक्षता में आज मीटिंग हुई। सभी जो हमारे नेता हैं उन सबसे आज खुले माहौल में चर्चा करी है और 11 की 11 सीटों के ऊपर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं उनको शॉर्टलिस्ट हम लोगों ने किया है और चर्चा करी है और एक ही क्राइटेरिया है कि कैसे हम लोकसभा का चुनाव जीतें। छत्तीसगढ़ में हम विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए थे लेकिन हमारा जो वोट का डिफरेंस था वो 1.5% का था, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो नई सरकार बनी है वो अपने वादे पूरे करने में पूरी तरह फेल हो चुकी है और 10 साल की जो केंद्र की सरकार है उसकी रिपोर्ट भी लोग देख रहे हैं, हर मोर्चे पर वो फेल हैं एक्सेप्ट प्रोपेगेंडा, प्रचार, माहौल बनाने में, धरातल पर काम नहीं किया है। तो 10 साल की रिपोर्ट कार्ड पर लोग वोट डालेंगे उन मुद्दों पर, किसानों के, नौजवानों के, महिलाओं के। और छत्तीसगढ़ वो क्षेत्र जहाँ बहुत से आदिवासी, दलित, मध्यम वर्ग किसान लोग रहते हैं, वो सब चाहते हैं कि कांग्रेस को हम मजबूत करें। इसलिए जो हमारी 11 सीटों पर चर्चा आज हुई है सार्थक रही है, बहुत अच्छे परिणाम आएंगे और हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए हैं जो विनेबल कैंडिडेट्स हैं और इसमें एक ही क्राइटेरिया रखा है हम लोगों ने कि कौन सीट निकाल सकता है। अपनी सरकार की उपलब्धियों के ऊपर भी जाएंगे सर जनता में? बिल्कुल, पांच हमारी सरकार को जो हमारी पॉलिसीज थी उसको लोगों ने अच्छा रिसीव किया, अच्छा मैसेज गया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, चर्चाएँ बहुत हुई। जो किसानों के लिए हम लोगों ने किया, जो वंचित वर्गों के लिए किया, वो शायद कभी पहले किसी ने नहीं किया। लेकिन अब जो नई सरकार बनी है उन्होंने जो वादे किए थे वो दूर दूर तक पूरा करने का मतलब नहीं है, वो सिर्फ अभी ढोल बजा रहे हैं, प्रगंडा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा का चुनाव बहुत अच्छी तरह से लड़ेंगे और मैं मानता हूं कि बहुत बेहतर परिणाम छत्तीसगढ़ में आएंगे। सर, आपको जहां भी प्रभारी बनाया जाता है जैसे राजस्थान में बनाया गया, आपने जीताकर कांग्रेस को लाया, तो क्या छत्तीसगढ़ भी इस बार 11 की 11 से जा रहे हैं? अरे भाई, मैं तो चाहता हूं कि हम सभी सीटों पर लड़कर जीतें। अंतिम निर्णय जनता के हाथ में है, हमारा ये दायित्व है एज स्क्रीनिंग कमेटी, एज AIC रीजनल सेक्रेटरी कि हम सबसे बात करें समन्वय के साथ, सबकी विचार सुनकर जो विनिंग कैंडिडेट होगा उसको हम अपना मैंडेट दें और हम अच्छा प्रचार कर चुनाव जीतेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।